इतवा के आगाही डिंदा उत्तर वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दन में फायरिंग की डे वट दौरान एक दहशतगर्द मारी वो है। आईएसपीआर जो चवण है फायरिंग की डे वट दौरान एक दहशतगर्द मारी वो। पाक फौज के तर्जमान मूजिब फायरिंग की डे वट दौरान पाक फौज जहां भी जवान भी शहीद थे। आईएसपीआर मूजिब शहीदन में सिपाही अब्दुल्ला मोहम्मद सोहेल शामिल हैं। वधीक अपडेट्स लाए राबतो कियो है इस्लामाबाद में सीनियर सहाफी तजी निगाह सिदीक साजे साहब। सिदीक साहब, आईएसपीआर का इस हवाले से मजीद क्या कहना है? पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के अलावा निरले में 12 और 13 नवंबर के दरमियान शब्द सिक्योरिटी अहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़प हुई और सिक्योरिटी अहलकारों और दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसम अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। तमाम शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में मरदान के 25 साल सिपाही अब्दुल्ला और थरकार के सर से ताल्लुक रखने वाले 19 साल सिपाही मोहम्मद सोहेल दहशतगर्दों के साथ बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए और तर्जुमान ने गाँव के इलाके में पाए जाने वाले मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए पुलिस ऑपरेशन भी किया गया। दहशतगर्दी की लड़न के खात्मे के लिए पुरअजर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारी हिम्मत मजबूत करती हैं। जी बहुत शुक्रिया सिदीक साहब अपडेट करने के लिए।